तो दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ स्नेक, वो वाला स्नेक नहीं, ये वाला स्नेक सीसीटीवी कैमरा का। तो ये जो सीसीटीवी कैमरा है ये बहुत ही यूनिक कैमरा है और देखने में एक स्नेक टाइप है, छोटा सा स्नेक टाइप है और एकदम इजी टू यूज है, प्लग एंड प्ले वाला सीसीटीवी कैमरा है। तो आज के इस वीडियो में मैं इस यूनिक सीसीटीवी कैमरा का रिव्यू करने वाला हूँ, इसका वीडियो सैंपल कैसा है आपको दिखाने वाला हूँ, इसके ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखे। डस लिया लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, वो जहरीला नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसके साथ आपको क्या क्या मिलेगा। अनबॉक्सिंग कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसा एक पैकेट में आता है। तो ये वाला हो गया कैमरा और ये वाला हो गया यूज़र मैनुअल। तो देखिए यहाँ पे लिखा है चिंग चिंग चौ चा चो चिंग चिंग चा चो चा चे 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 चा, उसका मतलब इस कैमरा को यूज़ करने के लिए आपको एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और ऐप का नाम है V380 Pro। तो मतलब आपको एक स्मार्टफोन का ज़रूरत पड़ेगा और इसको पावर देने के लिए आप एक पावर बैंक का यूज़ कर सकते हैं या फिर एक मोबाइल अडाप्टर का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे कैमरा को ऐसा लगाना है सिर्फ, उसके बाद इसको आप पावर दे सकते हैं या फिर पावर बैंक पे लगाने से भी हो जाएगा। तो चलिए अभी कैमरा को पास से देख लेते हैं। तो ये वाला हो गया यूनिक सीसीटीवी कैमरा, ये वाला हो गया यूएसबी पॉइंट पावर देने के लिए। उसके बाद यहाँ पे माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट है, तो यहाँ पे आप 32 GB 64 GB का मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लाइट वगैरह है और ऑन ऑफ का स्विच नहीं है, इसमें पावर देते ही ये रिकॉर्डिंग शुरू करेगा। उसके बाद सामने ये वाला हो गया इसका लेंस, लेकिन इसमें कोई भी IR लाइट्स नहीं है, मतलब ये कैमरा नाइट विजन कैमरा नहीं है, रात में ये रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता है। और इसका ये जो नेक है ये फ्लेक्सिबल है, इसको आप ऐसे रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, एनी डायरेक्शन आप इसको रख सकते हैं। तो इसको यूज करना एकदम आसान है, हम लोग जैसे ऑल आउट का यूज करते हैं अपने स्विच बोर्ड पे, तो स्विच बोर्ड पे इसको लगाना है। उसके बाद इसका जो लेंस है इसको पॉइंट करना है आप जहां पे इसको पॉइंट करना चाहते हैं उस तरफ। उसके बाद इस कैमरा को वाईफाई के साथ कनेक्ट करना है या फिर इस कैमरा से भी वाईफाई एमिट होता है जो है एपी हॉटस्पॉट, उसको भी आप मोबाइल पे कनेक्ट करके इसके लाइव प्रीव्यू को देख सकते हैं। तो एकदम सिंपल सा कैमरा है। तो चलिए अभी इसके ऐप को डाउनलोड करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको एक मेमोरी कार्ड डालना होगा। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 32 GB का माइक्रो एसडी कार्ड। तो चलिए अभी इसको पावर देते हैं पावर बैंक से। तो मैंने कैमरा पे पावर दे दिया है, यहाँ पे देखिए एक रेड लाइट जल रहा है और अभी इस कैमरा से वाईफाई एमिट हो रहा है जिसको आपको मोबाइल पे कनेक्ट करना है। तो अभी मोबाइल के वाईफाई पे जाएंगे, तो वहाँ पे देखिए ये जो MV528 वाला आ रहा है ये इस कैमरा का वाईफाई है। तो अभी इसको कनेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, कोई पासवर्ड का जरूरत नहीं है। तो देखिए वो कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको ऐप में जाना है, तो इसका ऐप मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है जो ये वाला है V380 Pro, या फिर आप जो यूज़र मैनुअल था वहाँ पे QR कोड है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको ओपन करेंगे अभी, तो देखिए ऐप ने कैमरा को डिटेक्ट कर लिया है, तो वो वाला कैमरा है, इसको सिलेक्ट करेंगे अभी, उसके बाद कनेक्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे मेरे घर का जो वाईफाई है उसको सिलेक्ट करना होगा और उसके पासवर्ड को डालना होगा। तो अभी कैमरा मेरे घर के वाईफाई के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो देखिए कैमरा कनेक्ट हो गया है, अभी कैमरा का नाम देना है, तो मैं देता हूँ लिविंग रूम, उसके बाद करेंगे फिनिश। तो देखिए यहाँ पे कैमरा आ चुका है, तो अभी वहाँ पे टैप करने से इस कैमरा का लाइव प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम टैप करने से इस कैमरा के लिए एक पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा। तो देखिए यहाँ पे नीचे पे आ गया है, पासवर्ड सेट करने के लिए बोला है, तो अभी मैं इस कैमरा के लिए एक पासवर्ड सेट कर लूँगा। तो मैंने पासवर्ड दे दिया है, अभी करेंगे कन्फर्म। तो ये देखिए अभी कैमरा ऑनलाइन हो चुका है, ये देखिए अभी इस कैमरा को आप कहीं पे भी लगा के दुनिया के कहीं से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो कैमरा है अभी मेरे घर के वाईफाई के साथ कनेक्ट है। अभी इस कैमरा को आप घर पे लगा के बाहर से देख सकते हैं और अभी ये कैमरा ऑनलाइन मोड पे है और ये जो कैमरा है ये ऑफलाइन भी चलता है, मतलब इसका जो वाईफाई है जो आपको मैंने दिखाया था MV528 वाला, उसको कनेक्ट करके आप विदाउट इंटरनेट भी इसको यूज कर पाएंगे, लेकिन अप टू 20 meters तक। तो ये सब देखिए, ये सब हो गया पुराना रिकॉर्डिंग, अभी प्ले हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे कैलेंडर भी है, तो कैलेंडर से आप पुराने किसी भी डेट के वीडियोस को देख सकते हैं सिलेक्ट करके। तो ये एकदम सिंपल कैमरा है, इसका ऐप भी बहुत ही सिंपल है, लेकिन सबसे जो जरूरी है इसका वीडियो क्वालिटी। तो चलिए देखते हैं इसका वीडियो क्वालिटी कैसा है। तो ये आपका वीडियो क्वालिटी, और वीडियो क्वालिटी जो है एकदम बकवास है, खराब है, और ऑडियो भी इसी से ही रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप सुन लीजिए ऑडियो कैसा है, देख लीजिए वीडियो कैसा है, लेकिन इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है एकदम नैरो है, मतलब देखिए इतना सा ही कवर कर रहा है, सिर्फ नहीं करता है, वाइड एंगल नहीं है, और कलर भी थोड़ा सा अजीब आ रहा है, येलो टोन है कुछ, तो मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा ये। तो ये था दिन का इंडोर का वीडियो क्वालिटी, तो देखते हैं इसमें नाइट विजन है कि नहीं। तो मैंने अंधेरा कर लिया है अभी, तो देखते हैं, ये तो नाइट विजन नहीं है इसमें, मतलब नाइट विजन नहीं है। तो दोस्तों इस कैमरा का भांडा फूट चुका है,
मतलब इसका जो वीडियो क्वालिटी है मुझे एकदम भी पसंद नहीं आया। और जैसे कि इसके यूजर मैनुअल पे लिखा था ये HD वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, बिल्कुल नहीं है। ये 640x480 रिजोल्यूशन पे वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, जो HD क्वालिटी है HD से नीचे। बहुत ही खराब क्वालिटी का वीडियो है और एकदम भी वाइड नहीं है, और इसमें नाइट विजन भी नहीं है, और वीडियो का क्वालिटी को देख के लगता है ये 1 मेगापिक्सल या फिर उससे भी कम का कैमरा है। तो ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। तो ये कैमरा एकदम बेकार कैमरा है। तो ये कैमरा किस काम आएगा? तो ये कैमरा सिर्फ आपको दूर से देखने के लिए काम आ सकता है। आप इसको एज ए स्पाई कैम यूज कर सकते हैं, मतलब इसको कहीं पे छुपा के कहीं पे लगा के दूसरे जगह से मोबाइल पे देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ अच्छे इरादे के लिए। और इसका जो प्राइस है वो है 1299 से शुरू होता है और 1799 तक जाता है। तो अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। सिर्फ देखने में थोड़ा सा यूनिक कैमरा है, इसीलिए मुझे लगा इसको टेस्ट करना चाहिए। तो मैंने इसको टेस्ट किया और ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। तो अभी आपके ऊपर है आपको ये कैमरा लेना है या नहीं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का ऑनेस्ट रिव्यू काम का लगा। अगर हां तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस तरह के ऑनेस्ट रिव्यूज देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे ऑनेस्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.